नमस्कार बच्चों, आपने पिछले अध्याय अध्याय 3 में आव्यूह और उसके बीजगणित के बारे में अध्ययन किया। आपने देखा कैसे आप डाटा को आयताकार रूप में व्यक्त कर सकते हैं, साथ ही रैखिक समीकरण के निकाय को भी कैसे आव्यूह के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं वह भी देखा। आज आप अध्याय 4 कक्षा 12वीं का सारणिक हम पढ़ेंगे। इसे हम अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। इस सत्र में आइए देखें हम क्या पढ़ेंगे। आज हम 3 कोटि के आव्यूह तक के सारणिक पढ़ेंगे, साथ ही सारणिकों के कुछ गुणधर्म भी देखेंगे। तो साथ देखते हैं सारणिक क्या है। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम एक संख्या से संबोधित कर सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे हम 3 रूप में यानी 3 प्रतीक के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ये तीनों प्रतीक हमारे ए आव्यूह के सारणिक दर्शा रही हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये ए आव्यूह है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो इसके सारणिक को हम कैसे पढ़ेंगे, ए सारणिक। और हमने कैसे लिखा, सारे अवयव इस प्रतीक के अंदर लिख दिए 1, 2, 3 और 4, और ये हमारा क्या है, प्रतीक। ठीक, ध्यान देंगे दी गई टिप्पणी पर। केवल और केवल हम वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाल सकते हैं। ठीक, आइए एक और तरीके से सारणिक को आप कैसे जान सकते हैं। आप सारणिक को एक फलन के रूप में भी सोच सकते हैं। कैसे, एफ फलन आपने परिभाषित किया है एम से के तक। एम आपका है वर्ग आव्यूह का समुच्चय, के है आपका सभी संख्याओं का समुच्चय। ये संख्याएं आपकी वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। आपने कैसे परिभाषित किया है फलन एफ, आपने ए आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या से संबोधित किया। ठीक, कैसे संबोधित किया, एक अद्वितीय संख्या। ठीक, जो कि कहां से आ रही है, के समुच्चय में से। इस के संख्या को या फिर हम कह सकते हैं इस एफ ए को हम क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। किसका, आव्यूह ए का। ए आव्यूह हमारा समुच्चय एम में से आ रहा है और जो के संख्या है वह समुच्चय के में से आ रही है। ठीक, आइए अब देखें एक कोटि वाले आव्यूह का सारणिक कैसे देखते हैं और कैसे परिभाषित है। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, यदि हमारे पास एक आव्यूह है, कितने कोटि का है आप देख सकते हैं, ये एक कोटि का आव्यूह है, तो ए के सारणिक को हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं, ए से ही, यानी इसका जो अवयव है वही इसका सारणिक बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं मैंने ये आव्यूह लिया, इसका अवयव एक है और ये एक कोटि का आव्यूह है, तो बी आव्यूह का सारणिक कितना होगा, एक होगा। ठीक, देखते हैं अब दो कोटि के आव्यूह का सारणिक कैसे परिभाषित है। मान लीजिए हमारे पास 2x2 कोटि का आव्यूह है ए, ये हमारा व्यापक रूप, इसी हम इसी प्रकार लिखेंगे। इसके अवयव हैं ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1 और ए 2 2। ए का सारणिक हमारा कैसे परिभाषित है, ये दिया हुआ ए का सारणिक, ये प्रतीक, दोनों प्रतीक द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे हमने इसे कैसे परिभाषित किया है। ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, जो इसके विकर्ण अवयव हैं, किसके, आव्यूह ए के, उन दोनों को गुणा करेंगे, यानी ए 1 1 को गुणा करेंगे ए 2 2 से। किया, फिर जो विकर्ण के अलावा जो 2 हमारे पास अवयव बचे उन्हें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी ए 1 2 को गुणा करेंगे ए 2 1 से, देख सकते हैं आप। और फिर हमने दोनों को क्या करना है, घटाना है, यानी ए 1 1, ए 2 2 घटाना है ए 1 2, ए 2 1। इस प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। उदाहरण देख लेते हैं, आइए उदाहरण देखें।
सामने आप देख सकते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया है। इसकी हमें सारणी यानी सारणिक निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आव्यूह क्या है आपको, मान लेते हैं इस आव्यूह, इस सारणी का से जो संबोधित हमारा आव्यूह है, अगर हम उसे लिखें तो 2, 4, -1 और 3, ठीक। इस ए आव्यूह का हमें क्या निकालना है, सारणिक, यानी ये जो सारणिक है इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी ध्यान रखेंगे, हमें क्या करना है सारणिक निकालने के लिए, विकर्ण के जो अवयव हैं उन्हें क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या कर दें, 2 × 3, और जो अतिरिक्त अवयव है उन्हें भी गुणा करना है और फिर घटाना है, यानी 4 × -1, ठीक, और इन दोनों को घटाना है। यही था, क्या बना हमारा, 6 − −4, क्या आया, 6 + 4, और हमारा सारणिक कितना हो गया, 10, यानी ए का सारणिक हुआ 10, ठीक, ए अवयव का सारणिक 10। इस प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, 2 × 2 कोटि के अवयव का सारणिक निकाल रहे हैं। अब देखते हैं 3 × 3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे परिभाषित हुआ है। 3 × 3 कोटि के अवयव के सारणिक को हम सबसे पहले क्या करेंगे, द्वितीय कोटि के सारणिक में व्यक्त करके ज्ञात करेंगे। यह हम 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रसारित कर जा सकता है। इसे हम 6 प्रकार यानी 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों के अनुदिश प्रसरण करके ज्ञात कर सकते हैं, और इन सब में हमारा जो उत्तर होगा वह समान आता है, ठीक। आइए देखें, वर्ग अवयव ए के सारणिक पर विचार करने पर आप देखेंगे हमारा सारणिक किस अवयव का निकाल रहे हैं, हम कितने कोटि का, 3 × 3। हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण कर रहे हैं, यानी R1, Rho1। इसको हम चरण में बांटेंगे, पहले चरण में देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। पहली पंक्ति है यानी ये वाली, इसका पहला अवयव देखेंगे, वह क्या है, A11। इसको आपने गुणा करना है, इसको आपने गुणा करना है किससे, -1 की घात 1 + 1, और ये क्या है, जो A11 है इसके अनुलग्न, इसकी जो स्थान यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका हमने योगफल निकाला। फिर इन दोनों को हमने गुणा करना है 2 × 2 कोटि के सारणिक से, वे कैसे प्राप्त हुआ। अगर हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के सारे अवयव हटा दें तो जो हमें अवयव मिले यानी जो हमें अवयव मिलेगा वह 2 × 2 कोटि का मिलेगा, और उसका अगर हम सारणी निकालें वह हम इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये सारा गुणा करने पे हमें पहला चरण मिलेगा। अब हम पहली पंक्ति और पहला जो स्तंभ है वो क्यों हटा रहे हैं, उसके अवयव क्यों, क्योंकि जो हमारा A11 है वह क्या है, इसी स्थान पर है, ठीक। ऐसे ही दूसरे चरण में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है हमारे पास, A12, ठीक, इसको भी इसी प्रकार -1 की घात 1 + 2 इसके अनुलग्न के योगफल से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी -1 की घात 1 + 2 गुणा किया पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ, और फिर इसको हमने 2 × 2 कोटि के सारणिक से गुणा किया, ठीक। यह हमारा चरण 2, इसी प्रकार हमने चरण 3 पाया। अब हम क्या करेंगे, चरण 1, चरण 2 और चरण 3, इन तीनों को हमने जोड़ना है। यह है हमारा चरण 4, यानी चरण 4, 1 + 2 + 3, ये तीनों चरण जब हम जमा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार, और यह संख्या हमारी क्या दर्शा रही है, सारणिक अवयव 1, ठीक। ध्यान देंगे,
हम जब सारणिक ज्ञात करते हैं तो चारों जो चरण है वे एक साथ प्रयोग करेंगे। आइए उदाहरण देखें किस प्रकार। उदाहरण में हमें ए का सारणिक निकालना है, कोटि हमें देख सकते हैं हमारे पास आव्यूह ए की कोटि कितनी है 3/3 और इसका सारणिक ज्ञात करना है, यानी सारणिक का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम इसका प्रसरण कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, एक देखेंगे, एक के साथ गुणा किया -1, एक जमा एक बने 2 और ये हमारा क्या मिल गया 2/2 कोटि का सारणिक। कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के जो अवयव है उन्हें हटाने पर यही मिला। इसी प्रकार आप देखेंगे ये कैसे मिला हमें, 2 हमारा क्या है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, -1 की घात क्या है 1 जमा 2, 1 जमा 2 करने पर हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा और वह क्या है एक विषम संख्या है, और -1 की जब विषम संख्या का घात होता है तो हमें उत्तर क्या मिलेगा -1, तो इसीलिए यहाँ -2 क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को गुणा। साथ में हमने क्या करा 2/2 कोटि का सारणिक गुणा करना है, वह कैसे प्राप्त हुआ ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं दूसरे अवयव पे हैं, तो यानी हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाकर जो हमारे पास अवयव बचे ठीक है उसका सारणिक निकालेंगे। देख सकते हैं हमारे पास अवयव यही बचे 1, 0, 4 और 0। ऐसे ही ये हमारा तीसरा चरण आ गया, क्या था -1 हमारा तीसरा अवयव पहली पंक्ति का, 4 स्थान क्या है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ इनके अनुलग्न को हमने क्या करना है इनका योगफल ज्ञात करना है, और अब देख सकते हैं घात कितना बना हमारा सम संख्या 4 बन रहा है, तो यानी -1 की घात 4 क्या मिलेगा हमें 1, 1 का गुणा 4 के साथ मिला 4 और हमें क्या करना है फिर सारणिक से गुणा करना है। फिर से ये सारणिक हमें कैसे प्राप्त हुआ ध्यान देंगे, तीसरा अवयव पहली पंक्ति का, तो हम वह पंक्ति और स्तंभ दोनों के जो अवयव है वह हटा देंगे, यानी अभी देखेंगे हमने क्या किया पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के जो अवयव है वह हटा दिए, तो हमारे पास जो बाकी के अवयव बचे उसका हमने क्या निकाला सारणिक, यानी देख सकते हैं 1, 3, 4 और 1। चरण 4 क्या था सबका योग, देख सकते हैं हमने एक साथ ही सबका प्रयोग किया। अब इसको सरल करने पर आप पाएंगे कि जो हमारा सारणिक आ रहा है वे कितना है -44 ठीक। इसी प्रकार हमने कहा था कि आप किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, तो देख सकते हैं हमने क्या लिया तृतीय स्तंभ, क्या ले रहे हैं हम तृतीय स्तंभ के अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं ध्यान देंगे, यानी जो तीसरा स्तंभ है कौन सा है ये, इसके अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम तीसरे स्तंभ का पहला अवयव क्या है 4 ठीक, तो हमने क्या लिखा -1 अनुलग्न कितने हुए तीसरा स्तंभ ठीक, क्या है इसका अनुलग्न पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गुणा में 4 और फिर हमारा 2/2 कोटि का सारणिक ठीक है अवयव का सारणिक, वह क्या में कब मिला कैसे मिला पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को हटाने पर, वे क्या है 1, 3, 4 और 1 यही देख पा रहे हैं ठीक। बाकी आप देखेंगे क्या है हमारे पास 0 और 0 बाकी के अवयव, यानी जब हम उनको गुणा करेंगे तो हमें उत्तर 0 ही मिलेगा, यानी इतना ही काफी है, तो हमारे पास
ये हल करने पर आप देखेंगे कितना मिला, ये माइनस एक की घात एक जमा तीन यानी चार, सम संख्या तो यानी एक बना, गुणा में चार बना चार, और ये हमारा सारणिक। अब 2/2 कोटि का जो सारणिक है वे ज्ञात करना अभी बताया था, देख सकते हैं चार, एक और एक को गुणा किया मिले एक, घटा और चार और तीन को गुणा करने पर 12 मिला। हल करने पर देख सकते हैं फिर से हमें क्या मिला, माइनस 44 या फिर ऋण 44। देख सकते हैं हमने अलग पंक्ति और अलग स्तंभ लिए, उनके हमने अनुदिश प्रसरण किया, पर हमारे पास क्या निकला, समान उत्तर, हमारे पास समान सारणिक मिला। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु हमें क्या बता रहा है, एक सारणिक को किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के अनुदिश प्रसरण के बाद अगर हम करें तो हमें समान मान प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु हमें क्या बता रहा है, गणना को सरल बनाने के लिए हम वह पंक्ति और वह ही स्तंभ लेंगे जिसमें अधिकतम शून्य हो। और अब तीसरी टिप्पणी यानी तीसरे बिंदु क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास माइनस एक की घात आई जमा जे था, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, आई जमा जे को हल करने पे जो इसकी संख्या आएगी यानी सम संख्या आ रही है या फिर विषम संख्या आ रही है उसको देखकर भी हम चिन्ह लगा सकते हैं, प्लस का या फिर माइनस का। कैसे, ध्यान देंगे, हमारे पास 3/3 कोटि का था सारणिक निकालने के लिए, इसकी जगह आई प्लस जे यानी पहले स्थान पर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जमा करने पर क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, वह क्या है, सम संख्या, तो क्या आएगा, कौन सा चिन्ह, प्लस का। ठीक, फिर दूसरे स्थान पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ जमा करने पर हमें क्या मिला, 3, वह क्या है, विषम संख्या, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। इसी प्रकार आपको बाकी के भी चिन्ह मिलेंगे, यहाँ हमारा क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, फिर इस स्थान पर जो कि क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है, विषम संख्या, 1 जमा 2। ठीक, तो क्या मिला हमें, विषम संख्या, तो चिन्ह माइनस का। इसी प्रकार बाकी चिन्ह आपको मिले, जमा घटा, और यहाँ भी क्या मिला, जमा घटा और जमा यानी प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखें अगला बिंदु, ध्यान देंगे क्या बतला रहा है, ए अगर हमारा क्या है, कैसा आव्यूह है, किसी आव्यूह के साथ हमने क्या किया, किसी अदिश को गुणा करने पर प्राप्त हमारा जो आव्यूह ए। ठीक, तो इसका जो हमें सारणिक है वे कैसे प्राप्त होगा, वे किसके बराबर है, के की घात एन गुणा में बी का सारणिक, और ये एन क्या है, ये एन है आव्यूह बी की कोटि। देख सकते हैं उदाहरण में जो एम है हमारे पास, वे आव्यूह क्या है, इसके अवयव 2, 2, 8 और 0। एन हमारे पास एक और आव्यूह है, इसके अवयव हैं 1, 1, 4 और 0। ठीक, आप देख सकते हैं M जो आव्यूह है वह क्या है, कैसे प्राप्त है हमें, 2N, यानी अगर हम N आव्यूह के जो अवयव हैं उनको 2 से गुणा कर दें तो हमें आव्यूह M प्राप्त होगा। हमें देख सकते हैं A का सारणिक क्या मिलेगा, ऋण 16। देख लें कैसे, बाएं हाथ पे आप देखेंगे अगर हम M का सारणिक निकालें क्या मिलेगा, 2 गुणा में 0, कितने 0, 8 दुनी 16, तो यानी 0 घटा 16 कितना आए, माइनस का 16। ठीक, अब बाएं हाथ पर पहले हम क्या निकाल लें, एन का सारणिक, एन का सारणिक ज्ञात करने पर क्या मिला, 0 माइनस में 4, ये क्या मिला,
माइनस का 4। ठीक, ध्यान देंगे क्या बता रहा है, ए का सारणिक किसके बराबर होगा, के, वे के यानी जो अदिश आपने गुणा किया था किससे, अव्यू बी से। तो यानी यहाँ एन से कौन सा अदिश आपने गुणा किया था, 2। तो यानी आप एम का सारणिक किसके बराबर है, जो कि आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 की घात 2। और ये 2 क्या है, सारणिक एन का क्या है, कोटि। यहाँ ए जो है वह क्या दर्शा रहा है, आव्यूह एम, और ये बी हमारा आव्यूह एन है। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा जो सारणिक एम आ रहा है वह किसके बराबर है, ऋण 16 के। ठीक, आइए अब आगे देखें। इस उदाहरण में हमें चर एक्स का मान ज्ञात करना है और हमें 2 सारणिक बराबर दिए हुए हैं, देख सकते हैं। अब जब ये दोनों हम सारणिक हल करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, कैसे देख सकते हैं, पहले बाएं हाथ के सारणिक को अगर हम हल करते हैं तो क्या मिला, 5 × 10 माइनस में 12 बराबर किसके है, इस समीकरण जो हमारा जो सारणिक है इसको हल करने पर ये समीकरण प्राप्त होगा, वे क्या मिला, 5x माइनस में 3 गुणा को हमने किससे गुणा किया, 2x से, तो ये क्या मिला हमें, 6x। ठीक, अब इसी प्रकार अब हम इसको जो हमारे को समीकरण मिला है हल करने पर आप पाएंगे कि x का मान हमें क्या मिला, 2। ठीक, आइए अब हम सारणिकों पे कुछ गुणधर्म देखें। आइए सबसे पहला गुणधर्म देखते हैं, वे क्या है। सबसे पहला गुणधर्म हमें क्या बता रहा है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी वह बदलता नहीं है, सारणिक जो है हमें वह समान मिलता है। उदाहरण में ए आव्यूह का सारणिक अगर हम निकालें, आप देखेंगे ये हमने सारणिक पहले भी निकाल चुके हैं और इसका मान कितना आया था, -44। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, जो पंक्तियां हैं और जो स्तंभ हैं उनको परस्पर परिवर्तित कर दिया है, जो स्तंभ है वो पंक्तियां बन गई और जो पंक्तियां हैं वह स्तंभ बन गए। अब हम नए सारणिक निकाल रहे हैं तो वे क्या मिला, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे अधिकतम शून्य तीसरी पंक्ति में है, तो इसके अनुदिश अगर हम प्रसरण करें तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे 4 2/2 कोटि, हम इसका क्या निकाल लेंगे, सारणिक क्या मिला हमें, 4 1 -12, 4 -11, और फिर से हमें क्या मिला, देख सकते हैं -44, देख सकते हैं हमारा जो सारणिक है वह अपरिवर्तित है, यानी वह समान है, बदला नहीं, ये हमारा पहला गुणधर्म बता रहा है। आइए अब दूसरा गुणधर्म देखें। दूसरा गुणधर्म हमें क्या कह रहा है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या फिर कोई भी दो स्तंभ परस्पर परिवर्तित कर दिए जाएं, तब सारणिक का जो चिन्ह होता है, ध्यान देंगे जो सारणिक का चिन्ह है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चिन्ह का मतलब यानी अगर हमारा जो सारणिक की जो संख्या है वह धनात्मक आ रही है तो दो पंक्तियां परस्पर बदलने पर जो नया सारणिक मिलेगा वह कैसा मिलेगा, ऋणोत्तर मिलेगा। ठीक, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, फिर से हमने पहले वाले उदाहरण से ही हम देखेंगे ये ए सारणिक कितना मिला था, -44। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे हमने इसके अंदर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को परस्पर बदल दिया है, उनके स्थान बदल दिए, यानी आप देखेंगे हमने पहली पंक्ति को बदल दिया दूसरी पंक्ति से, पहली पंक्ति 1 2 4 और अब इसके अंदर वह दूसरी पंक्ति बन गई, ऐसे ही इसके अंदर दूसरी पंक्ति है 1 3 0 और ये हमारी अब पहली पंक्ति बन गई। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, सारणिक,
तीन बाय तीन कोटि का सारणिक निकाला, अभी सिखाया है। देखेंगे इसके अंदर तीसरे जो स्तंभ है इसमें सबसे ज्यादा शून्य है। अगर हम इसके अनुदिश प्रसरण करें तो आप जल्द इसका क्या निकालेंगे, सारणिक। तो इसको निकालने पर आप देखेंगे हमें क्या मिला, ये क्या है, इसके स्थान पर ये कौन सा स्थान है चार का, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी i प्लस जे क्या मिलेगा हमें, विषम संख्या, तो यानी माइनस का चार। और हमें दो बाय दो कोटि का जो सारणिक मिला, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर क्या मिला, एक तीन चार और एक। ठीक, अब इसे हल करने पर आप पाएंगे क्या मिला हमें, माइनस चार एक माइनस बारह, और आप देख सकते हैं हमें क्या मिला हल करने पर, सारणिक केवल 44, धनात्मक 44। आइए अब तीसरे गुणधर्म को देखें। तीसरा गुणधर्म, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या फिर कोई भी दो स्तंभ समान हैं, यानी बराबर हैं, तो सारणिक का जो मान होता है वह शून्य के बराबर होता है। ठीक, उदाहरण लेके देख सकते हैं। उदाहरण में आप हमें, अगर हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारी जो पहली पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है वे क्या हैं, समान हैं। और इसका जरा हल निकाल के देखें क्या आना चाहिए, शून्य। तो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करते हैं, क्या मिलेगा, तीन। हम एक साथ ही से खोल रहे हैं, यानी इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं, तीन दूनी छः घटा में छः, फिर माइनस का चिन्ह दो, क्या मिला इसका, हमें क्या निकालना है, सारणिक, दो दिया छः और ये मिला माइनस में नौ। ठीक, अब आखिरी जमा तीन, ऐसे ही पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर हमें मिला दो दो तीन और दो, इसको हल करने पर क्या मिला, चार माइनस में छः। ठीक, हल करेंगे, ये तो हमारा शून्य बन गया, माइनस दो माइनस का तीन जमा तीन या माइनस में दो। ठीक, आगे हल करने पर माइनस दो गुणा में माइनस तीन बने छः, और ये बना माइनस का छः। देख सकते हैं हल करने पर क्या मिला हमें, शून्य। तो यही हमारा गुणधर्म, जो तीसरा गुणधर्म है, बता रहा है कि यदि हमारी कोई भी दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ समान होंगे तो जो हमारा सारणिक है वह शून्य के बराबर आएगा। ठीक, तो बच्चों आज हमने इस सत्र में क्या क्या देखा, हमने इस सत्र में तीन कोटि तक के जो आव्यूह हैं उसका सारणिक निकालना सीखा और कुछ गुणधर्म भी सीखे। अगले सत्र में हम क्या देखेंगे, हम कुछ और गुणधर्म देखेंगे और सारणिक की सहायता से कैसे हम त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वह भी देखेंगे। आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।